बच्चों, नौवीं कक्षा का तीसरा विषय हिंदी कालांश में सभी को स्वागत है। पिछले कालांश में वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन पाठ को समझा दिया गया था। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। एक नंबर जो प्रश्न दिया गया है, परीक्षा में 30 शब्दों में लिखने के लिए देता है। तो पिछले क्लास में यूनिट टेस्ट के पहले लक्ष्मी गुरुमा आप लोग को एक नंबर क बता दिए थे, मैं ख नंबर से बताती हूँ। तो ये जो कि 5 अंक में आते हैं। प्रश्न है, रमन प्रभाव का परिणाम कैसा रहा? तो लेखक धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन शीर्षक में रमन प्रभाव के बारे में कहा गया है। जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन होता है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के किरण के फोटन जब तरल या ठोस रवेदार से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में वर्ण में परिवर्तन होता है। रमन प्रभाव की खोज भौतिकी क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इस खोज के कारण पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। ठीक है, ख नंबर। अभी ग नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संस्कृति से रमन का लगाव कैसा था? लेखक धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन शीर्षक में रमन का भारतीय संस्कृति से लगाव के बारे में कहा गया है। रमन चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक क्यों न हो, उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति से हमेशा ही गहरा लगाव रहा। रमन ने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्य रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनाव को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। उसके बाद आता है ख नंबर। दिया गया है प्रश्न, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रमन ने क्या योगदान दिया? तो उत्तर, लेखक धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन शीर्षक में रमन का देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए योगदान के बारे में कहा गया है। रमन देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति हमेशा समर्पित थे, इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है। उन्हीं के नाम पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक शोध पत्रिका का प्रारंभ किए, वह है इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करेंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन किए थे। रमन ने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किए थे। ये हो गया घ नंबर। व नंबर प्रश्न दिया गया है, रमन को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए? तो लेखक धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन शीर्षक में रमन के पुरस्कार और सम्मान के बारे में कहा गया है। रमन प्रभाव की खोज के बाद रमन को पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसी झड़ी सी लगी रही। जैसे सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सन 1929 में सर की उपाधि प्रदान की गई और सन 1930 में विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। सन 1954 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दो नंबर देखते हैं। दो नंबर दिया गया, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए।
तो आपको पिछले क्लास में यूनिट टेस्ट के पहले लक्ष्मी कुरुमा 2 नंबर का ज तक बता दिए थे, जो ज का प्रश्न था समुद्र यात्रा पर रमन कब निकले, उसके आगे से मैं बताती हूँ। तो 6 नंबर का प्रश्न है, रमन को सर की उपाधि कब मिली। रमन को सन 1929 में सर की उपाधि मिली। फिर दिया गया है प्रश्न, सन 1954 ईस्वी में रमन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1954 ईस्वी में रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर दिया गया है, रमन की खोज ने किसे सहज बनाया। रमन की खोज पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन को सहज बनाया। फिर रमन ने रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की। तो रमन को शुरुआती दिन में ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव के कारण काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए रमन ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यह हो गया 2 नंबर। 3 नंबर दिया गया है, कोष्ठक से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो दिया गया, एक वर्णीय प्रकाश के किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा डेश रंग के प्रकाश में होती है, तो उत्तर है वैजनी। रमन की खोज डेश के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी, उत्तर है भौतिक विज्ञान। रमन को सन डेश में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था, उत्तर 1924। रमन नोबेल पुरस्कार पाने वाले डेश भारतीय वैज्ञानिक थे, तो उत्तर पहले। रमन की मृत्यु डेश वर्ष की आयु में हुई, तो उत्तर 82। तो 1, 2, 3 खत्म हो गया। अभी भाषा ज्ञान में देखते हैं। तो 1 नंबर दिया गया, समान अर्थी शब्द लिखिए। समुद्र का समान अर्थी सागर, दफ्तर, कार्यालय, प्रकाश, आलोक, तलाश, खोज, मेहनत, परिश्रम, जवाब, उत्तर, सवाल, प्रश्न, पेड़, वृक्ष, फैसला, निर्णय। तो अभी देखते हैं 2 नंबर, जिसमें दिया गया, निम्न में शब्दों के लिंग बताइए। यात्रा स्त्रीलिंग, समुद्र पुलिंग, जिज्ञासा स्त्रीलिंग, नीम स्त्रीलिंग, ऊर्जा स्त्रीलिंग, आभा स्त्रीलिंग, दीपक पुलिंग, फैसला पुलिंग, प्रस्ताव पुलिंग, पर्दा पुलिंग। 3 नंबर दिया गया है, वचन बदलिए। ध्वनि ध्वनिया, जिज्ञासा जिज्ञासाएं, नौकरी नौकरियां, चीज चीजें। हो गया। 4 नंबर दिया गया है, एक प्रत्यय लगाकर शब्द लिखने के लिए। जैसे विज्ञान जोड़ एक वैज्ञानिक, तो यहाँ उस तरह 5 शब्द लिखना है। परिवार जोड़ एक पारिवारिक, भूत जोड़ एक भौतिक, समाज जोड़ एक सामाजिक, वर्ष जोड़ एक वार्षिक, इतिहास जोड़ एक ऐतिहासिक। ये हो गया। फिर दिया गया 5 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। जो रेखांकित किया गया है उसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसे पहचानना है। वे समुद्र के नीली आभा में घंटों खोए रहते, तो वे के नीचे लकीर दिया गया है, वे सर्वनाम, खोए रहते क्रिया। 6 नंबर, इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। संस्था संज्ञा, वैज्ञानिक विशेषण। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे, प्रतिभावान विशेषण, छात्र संज्ञा, सरकारी विशेषण, नौकरी संज्ञा। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है, हमारे सर्वनाम, बिखरी पड़ी है क्रिया। फिर दिया है 6 नंबर, सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो वे अपना पूरा समय अध्ययन में अल्पविराम, अध्यापन और शोध में बिताने लगे पूर्ण विराम। फिर आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, ये प्रश्न है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह। 9 नंबर, वैजनी के बाद क्रमशः नीले में अल्पविराम, आसमानी अल्पविराम, हरे अल्पविराम, पीले अल्पविराम, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है, पूर्ण विराम। यह 7 नंबर, रिक्त स्थानों में सही परसर्ग भरिए। क में दिया है, भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। 6 नंबर,
रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। ग नंबर, रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। ठीक है, तो आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।